हेलो एवरीवन, राधे राधे, कैसे हो आप सब। तो ये मॉर्निंग का समय है और पूजा मेरी हो चुकी है और जो टाइम हो रहा है वो अभी हो रहे हैं 8:30। और अब हम चलते हैं किचन में, पहले तो दाल चढ़ा देंगे, उसके बाद अपने लिए चाय बनाएंगे। गुनी को भी चाय दे देंगे कि मांग रही थी, मैंने कहा पूजा कर लेते हैं तो देते हैं। तो अब वैसे भी आपको पता ही है कि मेरे यहाँ नाश्ते का सिस्टम, मतलब ब्रेकफास्ट नहीं होता, डायरेक्ट खाना ही होता है, क्योंकि 10 के बाद लगभग, मतलब 11 के राउंड में गुनी के पापा निकलते हैं, तो वो डायरेक्ट खाना खाकर निकलते हैं। मॉर्निंग में ऐसा है कि बिना सार लिए और पूजा किए मैं भी नहीं कुछ खाती हूँ और गुनी के पापा भी कुछ नहीं खाते पीते हैं, और अम्मा चाय पी लेती हैं सुबह, बाकी हम लोग तो कुछ खाते नहीं हैं। और बच्चे भी थोड़ा थोड़ा लेट उठते हैं, तो उठ के ब्रश किया, मैं थोड़ा सा इधर उधर कुछ किया, तो एक एक ग्लास दूध ले लिया और उसके बाद पढ़ाई करने बैठ जाते हैं वो लोग। तो कहने का सेंस ये है कि हमारे यहाँ ब्रेकफास्ट नहीं होता है, डायरेक्ट खाना ही होता है, और जो कुछ भी नाश्ता हमारे यहाँ होता है वो शाम में होता है। डेली शाम में हमारे यहाँ कुछ ना कुछ ज़रूर बनता है, लेकिन हाँ ये है कि मॉर्निंग में डायरेक्ट हम खाना ही बनाते हैं। बच्चों को कुछ मन हुआ तो बच्चों को कुछ दे देते हैं, जैसे ब्रेड है, दूध है, चाय ब्रेड, या फिर रात की जैसे रोटी होती है ना, उसको घी लगाकर सेक दो तो बहुत टेस्टी लगती है, क्रंची क्रंची सी, बच्चों को भी बहुत अच्छी लगती है। फिलहाल बातें ज़्यादा नहीं करते हैं, चलते हैं किचन में, क्योंकि मुझे भी बहुत काम है। गुनी के पापा पूजा कर रहे हैं और पहले मेरी पूजा हो जाती है, उसके बाद पीछे पीछे वो पहुँचते हैं। तो चलिए चलते हैं किचन में। दाल मैंने चढ़ा दी है और चाय भी अपने लिए चढ़ा दी है, गुनी को भी दे दूँगी, शरद को भी दे दूँगी, और गुनी पापा पूजा कर रहे हैं, अम्मा भी पूजा कर रही हैं, पर आज से अधिक मास है वो ख़त्म है, और कल से आ रही हैं हमारे घर में माता जी। तो मेरी तरफ से कल के आने वाले नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएँ, और माता जी सबका कल्याण करें, सब पर अपनी कृपा छाए बनाए रखें। और कल से हो सकता है सीटी भी आ गई है, देखिए गर्म पानी डालने का कितना फ़ायदा है। चलिए आपसे बाद में थोड़ी देर बाद बात करते हैं। तो बस दाल यहाँ पर मैंने धीमी कर दी और चाय भी बन चुकी है, और ये दोनों लोग भी आ चुके हैं चाय लेने। और ये देखिए हर जगह इन लोगों की, मतलब मस्ती चलती रहती है, कैमरे के आगे भी ये लोग मुंह चिढ़ाना करना, डांस करना, ये सब इन लोगों का चलता रहता है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा मम्मी ब्रेड दे दो, तो मैंने कहा चलो ठीक है सेक देते हैं, अभी एक बार खा लेंगे, तो जब तक अभी आधे एक घंटे तो लग जाएंगे, जब तक अभी खाना बना रहे हैं, फिर दाल चावल रोटी सब्जी सब बनेगी। तो गुनी को दे दिया इस, और शरद को भी दे दिया, थोड़ी सी चाय मैं भी पी लूँगी। दाल बन चुकी है और चाय मैंने दोनों लोगों को दे दी, अब हम भी चलते थोड़ी सी चाय पी लेते हैं, उसके बाद हम बनाएंगे सब्जी। तो गाइज़ यहाँ पर ये लोग चाय पी रहे हैं और मैंने भी चाय पी ली है, अब फटाफट से पहले बना लेते हैं सब्जी। तो ये है घुर्थी, हमारे यहाँ तो घुर्थी ही कहते हैं, और जगह काफ़ी जगह अलग अलग चीज़ें कहते हैं। तो इसे सबसे पहले हमें साफ़ कर लेना है, तो इसमें काफ़ी रेशे होते हैं, कुछ इस तरह से इसे हमें निकाल लेना है, तो काफ़ी टाइम भी लगता है, तो 15-20 मिनट लग जाते हैं। तो बस इस तरह से निकालना है, इसके रेशे नहीं रहने चाहिए, और चाकू का काम इसमें नहीं है, बस हाथ से तोड़ तोड़ के करना है। तो ये देखिए मैंने सारी सब्जियों को मतलब अच्छे से करके, मतलब तोड़ तोड़ के और अच्छे से वॉश कर लिया है। अब पैन में डाल देंगे 2 चम्मच सरसों का तेल, और इसमें डाल देंगे जीरा, और जीरे को अच्छे से चटकने देंगे, और इसके बाद इसमें डाल देंगे हम प्याज। तो एक मीडियम साइज की प्याज मैंने ली है, तो प्याज को अच्छे से हमें, मतलब इसका कच्चापन निकल जाए, बहुत ज़्यादा लाल नहीं करेंगे। तो उसके बाद इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक प्याज हरी और लाल मिर्च का पेस्ट, और इसको डालने के बाद सारे बेसिक मसाले डाल देंगे, हल्दी है और धनिया पाउडर है, और अच्छे से इसे मसाले को भून लेंगे, मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। और ये सब्ज़ी मतलब रोटी से अच्छी लगती है, काफ़ी अच्छी लगती है। तो बस ये देखिए मसाला भुन चुका है, तो अब इसमें हम डाल देंगे घुर्थी, और साथ ही साथ ये जो मैंने यहाँ पर एक टमाटर लिया है इसका मैंने प्यूरी बना लिया है पेस्ट, तो इसको डाल देंगे, और उसके बाद टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे नमक, और इसे ढक देंगे, और थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे, क्योंकि पकने में टाइम लगता है, तो नई सब्ज़ी जल जाएगी, और ढककर पका लेंगे। तो ये देखिए लगभग मतलब 25 मिनट में मैंने मतलब लगे मुझे, और ये सब्ज़ी हो चुकी है। अब ऊपर से इसमें डालेंगे गर्म मसाला, आधा चम्मच गर्म मसाला, और मिक्स कर देंगे, तो बस सब्ज़ी यहाँ पर बनकर रेडी है। आपको भी अगर पसंद आई है तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, और आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो सब्जी बन चुकी है और दाल भी बन चुकी है, और फटाफट से हम चावल चढ़ा देंगे इसी कुकर में और रोटी सेक लेंगे। और गुनी के पापा भी पूजा करके आ चुके हैं, तो उन्हें पहले दे दूंगी गर्म पानी, और उसके बाद जल्दी जल्दी फटाफट से रोटियां सेक लूंगी।
तो बस सारे काम हो गए हैं। सारे काम का मतलब गुनीक पापा चले गए और अम्मा तो स्कूल गई, वो आएंगी तो ही खाएंगी। तो यहाँ पर शरद को पढ़ा रहे हैं। इनको पढ़ाने का मतलब कि बहुत बड़ा काम है, इन्हें खेलने के आगे कुछ भी नहीं सोचता है। तो आज मैंने कहा कि चलो अभी तुम्हें पिटाई करते हैं, तो कह रहे थे मम्मी यूट्यूब पर मत डालना। तो मैंने कहा नहीं, यूट्यूब पर भी ज़रूर डालेंगे, सबको भी पता चले कि तुम्हें कितना मतलब खेलने में मन लगता रहता है। तो इनको बस यहीं पर पढ़ा रहे हैं थोड़ी देर, और उसके बाद ये देखिए एक तरफ तो पढ़ा रहे, एक तरफ इनको जो है मतलब योगा और आसन भी शुरू रहता है हर जगह इनका। इज़ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। ये आफ्टरनून का समय है, यानी कि बज रहे हैं लगभग 1:15, और सारा काम हो गया है और अब हम चल रहे हैं। और देखा कि आपने इसको मतलब मैथ बताने में इतनी माथा पच्ची करनी पड़ती है, एकदम भूसा भर गया है इसकी बुद्धि में लॉकडाउन में। स्कूल नहीं जाना है तो लॉकडाउन में इसकी बुद्धि में एकदम भूसा भर। तो अब कल से नवरात्रम आ गया है, तो नवरात्रम की कुछ तैयारियाँ भी करनी है, और शायद नवरात्रम में मैं रेगुलरली वीडियो ना डाल पाऊँ। हाँ, मैं घुनी वीडियो आपको जो है शेयर करेंगी, अपने से ही मतलब रिकॉर्ड करेंगी और अपने से ही एडिटिंग करके और उसे सेंड करेंगी। करोगी? चलिए देखते हैं, एक दो वीडियो मैं घुनी को छोड़ दूंगी कि लोग घुनी तुम करो। कैसे हम चल रहे हैं, मंदिर साफ़ करेंगे, बाहर जो शिवलिंग है उसे साफ़ करेंगे, और अम्मा अभी नहीं आई हैं, उन्हें खाना देना है, और किचन के थोड़े काम बचे हैं, बर्तन मैंने नहीं धुला है, और बस यही सब है। तो चलिए चलते हैं फटाफट से, अपने काम कर लेते हैं सारे। तो सबसे पहले यहाँ पर शिवलिंग साफ़ कर लेते हैं, तो इसके फूल सारे हटा देंगे क्योंकि मॉर्निंग की पूजा तो हो ही चुकी है। तो इसके ऊपर ये मैं पाउडर डाल दे रही हूँ, और डाल के इसे 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि जो भी मतलब गंदगी होती है, काई टाइप से होती है, वो जमी होती है। तो जब तक मंदिर साफ़ करेंगे 15-20 मिनट में, वो तब तक उधर फूल जाएगा। तो यहाँ पर पहले फटाफट से मंदिर साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद शिवलिंग साफ़ कर लेंगे, और कल से नवरात्रम है ही तो मंदिर साफ़ करना तो मस्ट है। वैसे सोचा था कि शाम को साफ़ करेंगे, लेकिन अभी मैंने कहा नहीं, लाओ अभी कर लेते हैं। तो बस ये देखिए शिवलिंग साफ़ हो गई है, बहुत नहीं साफ़ हुई है लेकिन कुछ तो हो ही गई है। कैसे हैं आप लोग? तो अभी है दोपहर का समय, और ये सो गाइस सारे काम मेरे हो गए हैं, और अभी बज रहे हैं 2:30, और काम बहुत हैं क्योंकि अब नवरात्रम शुरू है, कल से नवरात्रम है, और आज अधिक मास का जो दिन है वो आखिरी दिन है। तो अब ये जो आज का दिन है ना, ये 3 साल बाद आएगा, तो तब तक के लिए भगवान की दृष्टि बनाए रखें। 3 साल बाद फिर से अधिक मास आएंगे, भगवान भोलेनाथ के जो शुभ दिन हैं वो हर 4th साल पर आते हैं। तो आज का दिन जो है वो अधिक मास का लास्ट डे है, और कल से नवरात्रम है। तो नवरात्रम की सारी तैयारियां मैंने कुछ लगभग कर ली है, मंदिर साफ़ कर ली है, और कुछ सामान थे गुनी के पापा ने बोला था कि इसको खोलकर चेक कर लेना क्या बचा है क्या नहीं बचा है। तो सामान तो थोड़े थोड़े आते ही रहते हैं, क्योंकि मेरा भी फास्ट रहता है 9 दिन का, और गुनी के पापा का भी फास्ट रहता है 9 दिन का। तो बस यही सब है। तो थोड़ी बहुत जो तैयारियां थी मैंने की हैं, कुछ बची हैं। यहां पर करते हैं वीडियो का इन, और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे अच्छे से, नवरात्रम के फर्स्ट डे माता जी के एक अच्छे से छोटे से वीडियो एंड ब्लॉग के साथ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय माता दी।